इंदौर में लोगों से मोबाइल छीनकर भागने वाले दो बदमाशों को जनता ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। दोनों बदमाशों की लोगों ने जमकर पिटाई भी की। मामले में पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आशंका है कि बदमाशों से कई वारदातों के खुलासे भी हो सकते हैं। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मामला सहयोगितागंज थाना क्षेत्र का है, जहां शुक्ला अस्पताल के पास से लोगों ने बाइक सवार दो बदमाशों को पकड़ा जो मोबाइल छीनकर भाग रहे थे। जनता ने दोनों बदमाशों की जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले किया। पकड़ाए बदमाशों के पास से मोबाइल और एक बाइक भी जब्त हुई है। मोबाइल स्नेचिंग और जो पर्स स्नेचिंग की जो घटनाएं हो रही है, उसको दृष्टिगत रखते हुए जो बीट और जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में घटनाएं होती वहां पर अवेयरनेस चलाई गई थी। इसी के तहत कुछ जानकारी मिली थी कि आज जो शुक्ला जो हॉस्पिटल है उसके पास में मोटरसाइकिल से एक लड़के से मोबाइल स्नेच करने की कोशिश की थी दो लड़कों ने। तो उनको जो हुलिये बताए थे जो पुलिस के द्वारा, जनता ने उनको घेराबंदी कर पकड़ा और वहीं मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और उनसे मोटरसाइकिल जिससे वो मोबाइल स्नेच करते थे वो मोबाइल आगे बरामद किए गए। और अभी उससे और पूछताछ की जा रही है, तो जिसमें जानकारी मिली कि वो पहले भी इस प्रकार के अपराध कर चुके हैं। अब माननीय न्यायालय में पेश करके उनके द्वारा जो अन्य वारदातें की उसके संबंध में पीआर लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने बदमाशों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आशंका है कि इनसे कई वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।